हरदोई के माधवगंज थाना इलाके में दलित बालिका से रेप के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। युवक नशे की हालत में बालिका को घर के बाहर खेलते समय ले गया था और उसके बाद दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया। एसपी के मुताबिक युवक नशे का आदि है और लगातार मोबाइल में अश्लील वीडियो देखते हुए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग वर्ष ने बताया कि माधवगंज थाना इलाके में 18 दिसंबर को एक 7 साल की बालिका की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बालिका की बरामदगी के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन करते हुए तलाश शुरू की थी। बताया कि इसी बीच गांव के ही आगम स्वरूप पटेल के बाग में झाड़ियों में बालिका का शव मिला था। बालिका का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला और उसके मुंह में कपड़ा फंसा हुआ था। बालिका की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी और पूरे मामले में FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए थे। पड़ताल के दौरान गांव निवासी विनीत द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय श्याम बिहारी द्विवेदी, जो कि 35 साल का है और अविवाहित है, उसकी भूमिका संदिग्ध लगी तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो मोबाइल में अश्लील वीडियो क्लिप देखने का आदी है और नशे के कारण उसने वीडियो देखकर ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई में लग गई है। देखिए, ये थाना माधवगंज क्षेत्र में एक मुकदमा अपराध संख्या 499/23 पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि वादी ने बताया था कि उसकी बेटी घर से गायब है। इसके बाद इस जो ये मृतका है उसकी डेड बॉडी गांव के ही एक जंगल एक झाड़ी में मिली थी और सभी फील्ड के ऑफिसर्स और फील्ड यूनिट द्वारा इस घटना का स्थल निरीक्षण किया गया। इसमें जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उसमें उसके बाद हत्या और पॉक्सो एक्ट है उसमें बढ़ाए गए। पुलिस ने इसमें लगातार जानकारी करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट हमें विटनेसेस और कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं जिनके आधार पर हमने इसमें जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया है और अभियुक्त जो है वो इन्हीं के ही गांव का रहने वाला विनीत है, जो जिसका पहले का भी जब हमने जानकारी करने की कोशिश की तो पता चला कि आवारा किस्म का लड़का है और बहुत शराब इसने उस दिन पी हुई थी और जब इसने कुछ इस तरह के इंटरनेट पे वीडियोस भी उससे घटना से पहले देखे थे, ये सब चीज़ें क्लियर निकल के आई हैं। इसने इस घटना को कारित किया है। इसके द्वारा हमने सीन ऑफ क्राइम को फिर से रिविजिट भी किया है फील्ड यूनिट के द्वारा, जिसमें पुलिस को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों को संकलित करके उनको विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है और जो अभियुक्त है उसका मेडिकल परीक्षण करा के उसको जेल भेजा जा रहा है और साथ ही जो बच्ची है उसको सहायता राशि के लिए भी तत्काल आदेशित हो गए हैं और आज उसके अकाउंट में, उनके परिवार के अकाउंट में जो सहायता राशि है वो भी भेज दी जा रही है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।